भगोड़े हीरा कारोबारी चौकसी और कोर्ट से मिली जमानत। WHO के अनुवांशिक में छेड़छाड़ रोकने की तैयारी। चीन और अमेरिका में तेज होगी जंग। राजद्रोह के संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। अगले महीने से हर दिन लगेगी 80-90 लाख खुराकें। वाराणसी से पीएम मोदी फूकेंगे यूपी चुनाव का बिगुल। बड़े ही शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें, CID ने शुरू की जांच। लोकसभा में अधीर चौधरी की जगह किसे लाएगी कांग्रेस। हिमाचल में बादल फटा, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। कंपनी ऐसे कर रही है अपनी जेब हल्की। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। यहाँ कोर्ट ने मेहुल चौकसी को अंतरिम बेल लेने की इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि मेहुल चौकसी को मेडिकल ग्राउंड पर यह बेल मिली है। जमानत मिलने के बाद वह अब एंटीगुआ और बारबूडा की यात्रा कर सकेंगे। एंटीगुआ में इलाज कराने के लिए अदालत ने मेहुल चौकसी को बेल दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ये बेल उसी आधार पर मिली है कि जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद यात्रा के लिए फिट घोषित कर दिया जाएगा तब उसे वापस डोमिनिका लौटना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मानव जीनोम एडिटिंग पर नई सिफारिशें करते हुए एक वैश्विक रजिस्ट्री के लिए अपील की है। इसका मकसद जीन्स में किए जाने वाले किसी भी छेड़छाड़ का पता लगाना होगा। WHO ने अनैतिक एवं असुरक्षित अनुसंधान से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की भी बात कही है। जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के DNA में बदलाव करने में सहायता करता है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच चीन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने सागर में एक विवादित क्षेत्र से अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया और उसे खदेड़ दिया है। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका प्रशासन ने चीन को चेतावनी दी है कि क्षेत्र में फिलीपीन पर हमला हुआ तो रक्षा संधि के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को 2 हफ्तों का समय देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित की है। मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। धारा 124A के तहत राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियों का नफरत फैलाने वाला, अवमानना वाला बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धारा 124A के तहत अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ यादव बनाम बिहार मामले में इस कानून को संवैधानिक मान्यता दी थी। देश में अगले महीने से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज होने की संभावना है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल के आखिरी तक सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी टीके की कमी बनी हुई है। लेकिन अगले महीने से देश में निर्मित स्पुतनिक वी के अलावा बायोलॉजिकल ई और जायडस कैडिला का टीका भी मिलने की संभावना है। इसे प्रतिदिन 80-90 लाख टीके लगने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अलग अलग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी करने वाले हैं। इस साल वाराणसी में होने वाला PM का यह पहला दौरा होगा। 2022 में होने वाले चुनाव के लिए PM मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूंकने वाले हैं। यूपी सरकार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मोदी अगले 100 दिनों में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए भौगोलिक रूप से यूपी के कई इलाकों का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले BJP नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में राज्य CID ने सोमवार को जांच संभाल ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में जानकारी दी। संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस लोकसभा में संसदीय दल का नेता बदल सकता है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए नेता का नाम पर विचार करने के लिए बुधवार को पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप को बैठक बुलाई। अंदरखाने खबरें ये भी है कि अंधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में कांग्रेस अब G23 नेताओं में से कुछ के नाम पर विचार कर रही है। G23 कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं का समूह है जिन्होंने बीते साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व में बदलावों की मांग की थी। देश के बहुत से हिस्सों में मानसून ने अपना असर दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। उत्तर भारत पर मानसून का कहर देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को बादल फटने से खूब तबाही मची, तो वहीं उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ से वाहन बह गए और इमारतों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने के साथ लगातार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। अभी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिन भारी बारिश होगी। इसी के चलते कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। महंगाई बढ़ने के बाद भी चिप्स और नमकीन के पैकेट उसी दाम में खरीद रहे हैं, तो
इस भुलावे में मत रहिए कि वह सस्ते में मिल रहा है। कंपनियां छोटे पैक का वजन घटाकर आपकी जेब हल्की कर रही है, वहीं बड़े पैकेट में मात्रा में कोई बदलाव नहीं है। ज्यादा कीमतें वसूल रही है, यानी स्पष्ट संकेत है कि पैसे ज्यादा दो या कम मान लो। ग्राहक किसी भी आधार पर उत्पाद क्यों ना खरीदे, उसके खाते में नुकसान ही है। अगर वह वजन के हिसाब से उत्पाद खरीदता है तो दाम ज्यादा चुकाना होगा। FMCG कंपनियां महंगाई में तेज उछाल की वजह से उत्पादों की लागत में वृद्धि के नाम पर यह सब करने को मजबूर है। पिछले एक साल में खाद्य तेलों के दाम दोगुना से अधिक बढ़ गए हैं, वहीं अन्य कच्चे माल की कीमत बढ़ने से भी उत्पादों के दाम का असर पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद देश में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP की दर में जबरदस्त उछाल आया है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई महीने के IIP में 29.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों के आरंभ होने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग निकलने से ये वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन मई 2021 में 34.5% बढ़ा। शिकागो एक्सचेंज में तेजी के रुख के बीच मांग निकलने से स्थानीय तेल तिलाने बाजार में सोमवार को लगभग सभी तेल तिलानों के भाव तेजी के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की तेजी रही, जबकि मलेशिया एक्सचेंज मंदा रहा। विदेशी बाजारों में आई इस तेजी का स्थानीय कारोबार में तेल तिलानों के भाव पर अनुकूल असर हुआ। खुदरा मुद्रा स्फीति जून महीने में मामूली कमी के साथ 6.26% पर आ गई। हालांकि ये लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर के अधिक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई 2021 में 6.3% तथा जून 2020 में 6.23% थी। राष्ट्रीय असंख्यक कार्यालय NSO के आंकड़े के अनुसार खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 5.15% होने के बावजूद खुदरा महंगाई दर हल्की कम हुई है। मुख्य रूप से खाद्य तेल और वसा के दाम बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़ी है। एक महीने पहले मई में ये 5.01% थी। सालाना आधार पर तेल और वसा खंड में महंगाई दर जून महीने में 34.78% रही। वहीं फलों की महंगाई दर 11.82% दर्ज की गई। हालांकि सब्जियों के दामों में सालाना आधार पर 0.7% की गिरावट रही। ईंधन और प्रकाश खंड में मुद्रास्फीति 12.68% रही। नौजवानों को आतंक के राज से बाहर ढकेलने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी में स्लीपर सेल बनाने के लिए पड़ोसी देश में बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर हैंडलर पीर टू पीर मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। इन्हीं ऐप के जरिए आतंकी साजिश को रचने से लेकर उसे अंजाम देने तक की जानकारी हैंडलर स्लीपर सेल तक पहुंचा रहे हैं। CAA को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसका खुलासा लखनऊ पुलिस की PFI संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के बाद किया था। वहीं ATS ने जून 2020 में बरेली के कटघर के अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े इनामुल हक को गिरफ्तार किया था, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर स्लीपर सेल तैयार करने की बात कबूल की थी। इनामुल का दावा था कि उसने टेलीग्राम ऐप पर चैनल बनाकर कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ा था, जिन्हें हिंसा से जुड़े मैसेज और वीडियो भेजे जाते थे। यूपी में रविवार को CM योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति लागू कर दी है। इसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। यूपी में जनसंख्या नीति लागू होने के बाद इस बारे में बिहार के CM नीतीश कुमार की राय सामने आई, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में कानून की गैर जरूरी बताते हुए महिलाओं को शिक्षित बनाए जाने की जरूरत बताई थी। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ही देर में दो अलग अलग बयान दिए। पहले आधिकारिक बयान जारी कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान कर सराहनीय कार्य किया है। चूंकि यूपी की तुलना में बिहार की प्रजनन दर अधिक है, इसलिए यूपी की तर्ज पर बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद ही अपने बयान से रेणु पलट गई। संशोधित बयान जारी कर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर पुरुषों को जागरूक करना अक्सर देखा गया है कि बेटे की चाहत में पिता और ससुराल वाले महिला पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं। बिहार देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। बड़ा प्रभावित क्षेत्रों में शिविरों में गर्भ निरोधक गोलियों के वितरण, परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी और सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने आने वाले हफ्तों में स्पुतनिक वी टीके के कमर्शियल रोल आउट को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने एक बयान में कहा, हम आने वाले हफ्तों में स्पुतनिक वी के वाणिज्यिक रोल आउट को मजबूत करेंगे।
तो चल रहे सॉफ्ट कमर्शियल लॉन्च और ना ही भारत में इसके रैंप अप की दिशा में काम को रोका गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी। हिमाचल के शिमला में वीकेंड पर सैलानियों ने हुजूम उमड़ पड़ा। शिमला के साथ साथ मनाली और मसूरी में लगभग सभी होटल और पार्किंग फुल नजर आए। वीकेंड पर शिमला मसूरी को लेकर मनाली तक के बाजार पर्यटकों से भरे हुए दिखाई दिए। पहाड़ों पर सैलानियों की गाड़ियों से सड़कों पर जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। आलम यह है कि होटलों में रूम फुल हो चुके हैं और प्रशासन द्वारा पहाड़ों पर आने वाली कई गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान फिल्मों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के लिए भी पहचाने जाते हैं। वो कई मौकों पर साफ पर्यावरण पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा वो जागरूकता फैलाने वाले कई स्थानों पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक खबर के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। कई यूजर्स आमिर खान पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लद्दाख के गांवों में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान कचरा फैला रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये तोहफा बॉलीवुड स्टार आमिर खान आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा लद्दाख के लिए वाखा गांव के लिए छोड़कर गए हैं। आमिर खान सत्यमेव जयते वातावरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये सब करते हैं। वहीं आमिर के कई फैंस उनके बचाव में भी आए हैं। लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा कि आमिर खान और उनकी टीम अभी भी शूटिंग पूरी करके वहां से गई नहीं है, वो जब जाएंगी तो सफाई जरूर करके जाएंगी। कैरिबियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में खास मुकाम हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में गेल ने 38 गेंद पर 67 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान गेल के बल्ले के 7 छक्के और 4 चौके निकले। इस दौरान गेल ने T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले क्रिस गेल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैच से पहले गेल के खाते में 13,971 रन थे। 67 रनों की पारी के साथ उन्होंने 14,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। गेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है। शहीद निर्मल मेहता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फीमेल मेडिसिन वार्ड में भर्ती 20 वर्षीय दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना रविवार रात 11 से 12 बजे के बीच की है। युवती बोल नहीं पाती है, उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। दुष्कर्म का आरोप निजी एम्बुलेंस चालक सराय ढेला कोचाकुल्ली निवासी संजय दास पर लगा है। दुष्कर्म में अस्पताल के बाहर चाय बेचने वाला बी पॉलिटेक्निक ITI कॉलेज निवासी शगुन कुमार वर्मा भी शामिल था। पुलिस ने शगुन को दबोच लिया है। 26 जून से फीमेल मेडिसिन वार्ड में भर्ती युवती रविवार को रात 11 बजे से अपने बेड पर नहीं थी। वहां नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही नर्स प्रियंका साह, संगीता मुंडा और वार्ड अटेंडेंट नवीन कुमार ने पूरे वार्ड में युवती को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद वार्ड अटेंडेंट ने इमरजेंसी के पास तैनात होमगार्ड जवानों और जिला बल के जवानों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही होमगार्ड जवानों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ युवती को खोजना शुरू कर दिया। अस्पताल में युवती को नहीं पाकर लोग मोर्चरी वाले भवन के पास झाड़ियों की तरफ गए तो वहां युवती मिली। उसके साथ अस्पताल में चाय बेचने वाले युवक शगुन और एम्बुलेंस चालक संजय दास भी था। दोनों वार्ड की तरफ आ रहे थे। होमगार्ड जवानों को देख एम्बुलेंस चालक वहां से भाग निकला। चाय बेचने वाले युवक को जवानों ने धर दबोचा, उसे पकड़कर अस्पताल में तैनात जिला बल के जवानों को सौंप दिया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।